जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में गौरी त्यागी आंटी उपस्थित हैं, जो कि आज वचनों का नरेशन करेंगी। समय समय पर गुरु जी महाराज ने अपने डिवोटिस को अलग अलग तरह के वचन बोले थे। कुछ संग्रह हैं अभी हमारे पास, जो कि वचन संग्रह जो उनको नरेट करने के लिए बारी बारी से संगत इस प्लेटफॉर्म से आते रही है पिछले कुछ महीनों से। हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि आज गौरी त्यागी आंटी ने इस सेशन में आने के लिए अपना अमूल्य समय गुरु परिवार को दिया है। ओवर टू यू गौरी त्यागी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी महाराज का कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी गौरी त्यागी आंटी। जय गुरु जी गौरी त्यागी। ओवर टू यू तरुजा आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज का और सुरेश वासन अंकल, थैंक यू सो मच। आज गुरु महाराज की बहुत कृपा है, गुरु जी ने आज ये सेवा मुझे दी है कि मैं गौरी त्यागी आंटी को वेलकम करूं और उनका थैंक्स करूं। गोपाल सेठी अंकल ये सेशन करते हैं बड़े प्यार से, आज किसी वजह से उनका मैसेज आया है सुरेश अंकल को दैट वो आज का सेशन नहीं कर पाएंगे, तो गुरु जी ने मुझे ये मौका दिया है। शुक्राना गुरु महाराज कि मैं मेरे को आपने ये सेवा दी। गौरी आंटी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के वचन नरेशन सेशन में। आप तो पहले भी आई हैं और आपके पास गुरु जी के वचनों का, गुरु जी के एक्सपीरियंसेस का बहुत ही खजाना है, तो वो भी हम सुन चुके हैं और आज आपके मुंह से गुरु जी के वचन सुनेंगे और जो आपको उन वचनों से एहसास होता है, जो आप उसको अपने जीवन में किस तरह से उसको इम्बाइब करती हैं, वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट आंटी। सो वैसे तो गुरु जी आए इसलिए थे कि जैसे हमारे को परमात्मा से, जैसे उन्होंने कहा था कि कुछ साल पहले सम ऑफ अस हम थोड़ा सा परमात्मा से दूर हो गए थे, वी डिड नॉट realize his blessings and we did not thank him for his blessings, which was not the right thing to do, but na guru maharaj ka ki wo aaye aur unhone phir se hum sab ko us raah pe dala ki hum realize kare ki parmatma kya hai aur parmatma ne ye hame ye jeevan kis liye diya hai aur how to live our life. I think that is the most important thing. Like Guruji said that firstly he is very practical. Unhone har cheez ko simplify kiya, religion ko simplify kiya, parmatma ki bhakti ko simplify kiya, parmatma ko kaise pyar karna hai usko samjhaya. So as per my understanding Guruji hame batane aaye the ki apna jeevan kaise jiyo jisse not only you feel happy and blessed, you lead a good life. और उनमें से पहले सबसे मेन तो अपने कर्म है बात, और इन कर्मों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, अपने शब्द कीर्तन गुरु जी हमें देके गए हैं कि ध्यान लगाओ, इन शब्द कीर्तन के थ्रू हमें बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स के नहीं बट कैसे जीवन को जीना है, कैसे सिंप्लीफाई लाइफ को। एंड द अदर थिंग इज गुरु जी जो अपने मुंह से वचन बोल के गए हैं अलग अलग टाइम पे, जैसे गुरु जी ने कभी भी कोई प्रवचन नहीं किया बट ओवर द इयर्स जब भी वो जितनी देर वो हमारे साथ रहे, वो अलग अलग संगत को अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से बहुत कुछ बता के गए हैं और यही गुरु जी के वचन है, यही हमारी आई विल से दिस इज आवर इनहेरिटेंस और ये पूंजी का कोई मोल नहीं, एंड everything else pales in comparison to what Guruji has left us with.
So, आज गौरी आंटी, आई एम गोइंग टू नाउ रिक्वेस्ट यू टू टेक ओवर, और गुरुजी के जो वचन आपने आज प्लान किए हैं प्लीज हमें सुनाइए और फिर उनके व्याख्या कीजिए. थैंक यू गौरी आंटी वंस अगेन फॉर कमिंग एंड हैंड यू, आई हैंड ओवर टू यू गौरी आंटी. जय गुरुजी. जय गुरुजी. थैंक यू सो मच आंटी. मल्टीलिंगुअल पेज का बहुत बहुत शुक्राना. सुरेश वासन अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्राना इस सेवा देने के लिए. और आज मैं जो वचन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो नहीं है जो गुरुजी ने मुझे कहे थे. सुरेश अंकल ने मुझे सेवा दी है टू एक्सप्लेन वचन फ्रॉम सरचार्ज विद डिवाइन लव रिटन बाय सुखमनी आंटी. सुखमनी आंटी गुरुजी से बहुत क्लोज थी बिकॉज शी अंडरस्टूड गुरुजी वेरी वेल. गुरुजी के बहुत क्लोज थी. गुरुजी उनको बहुत बातें भी बताते थे. जब आप गुरुजी में इंटरेस्ट लेते हो, थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट करते हो, तब जाके गुरुजी आपको एक्सप्लेन डायरेक्ट लेसन सिखाने शुरू करते हैं. एंड देन ये उनके वचन हैं. तो मैं उनकी बुक से लास्ट चैप्टर में जो वचन लिखे हुए हैं 85 वचन हैं, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन. फर्स्ट है, गुरु वचनों को रखना संभाल कर. एक एक वचन में गहरा राज है. जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबता कभी ना जहाज है. देखिए गुरु वचनों को रचना संभाल के, क्योंकि गुरु जी की जो भी कहते थे आज तक, इमीडिएटली आपको कोई बात नहीं समझ आएगी. बिकॉज कहाँ हम लोग इंसान है, मृत्यु लोक में है, कहाँ गुरु जी भगवान धरती पर आए. बट वो भगवान थे, हम जीरो लेवल माइनस में है, तो हमें उनकी कोई बात समझ नहीं आएगी. जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी और एक मदर की बात कभी न्यू बॉर्न बेबी को समझ नहीं आती. बट टाइम टू टाइम उसको धीरे 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 जैसे वो ग्रो करता है, जैसे मदर समझाती रहती है उसको, सब बातें दुनिया की समझ में आती. ऐसे गुरु जी भी भगवान है. उन्होंने जो बोला, उनके मुंह से जो भी निकला, वो पूरे यूनिवर्स के लिए एक हुक्म होता है. वी डोंट अंडरस्टैंड एंड वी डोंट फॉलो मोस्ट ऑफ द थिंग्स. हम लोग समझ नहीं पाते और फॉलो नहीं कर पाते जब तक कि गुरु जी डायरेक्ट हुक्म ना दे. पर वो जो बोलते हैं, अगर हम थोड़ा भी सोचेंगे तो जैसे जैसे हमारा कनेक्शन स्ट्रांग होता है, ऐसे ऐसे हमको उनकी बातें समझ में आने लगती है. जब मैं गुरु जी के पास जाती थी 2001 में, आई स्टार्टेड गोइंग, तब मुझे गुरु जी ने जो कहा था वो समझ में नहीं आई. 6 साल में गुरु जी के पास रेगुलर गई हूँ एंड मेनी थिंग्स आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट गुरु जी सेड टू मी. बट लेटर जब गुरु जी चले गए फिजिकल बॉडी छोड़ के, तब से मुझे धीरे 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 जब मैंने बहुत सोचा उनकी बातें समझ आई, और आज की डेट में जब मैं बीमार हो गई, तब से मुझे और भी बातें गुरु जी की समझ में आती हैं. तो इसलिए जैसे जैसे हमारा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, जैसे जैसे हम गुरु जी में ध्यान लगाएंगे, जैसे जैसे गुरु जी, एक टाइम भी होता है हर बात समझने का, तब गुरु जी आपको समझा देंगे. चाहे आपको गुरु जी की बात उसी टाइम समझ में आ जाए, चाहे 1 साल में आए, चाहे 10 साल में आ जाए, चाहे नेक्स्ट लाइफ में आए. इसलिए गुरु जी की हर बात आपको, कभी भी कोई मैसेज आता है आपको लिख के रखना चाहिए, और जब गुरु जी की बात आपको समझ में आ जाए आपको उसको फॉलो करना चाहिए. ज्यादा तो बातें गुरु जी की समझ में ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गुरु जी बोलते हैं वो गुरु जी का हुक्म है, आपको 100% फॉलो करना चाहिए, तब हमको गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है. सेकेंड इसमें लिखा है, किसी ने गुरु जी से क्वेश्चन किया, गुरु जी वाई इन बोथ योर टेम्पल्स is Shivji's photograph always placed below Guru Nanak Dev Ji when you yourself say that Shivji is creator? अब देखिए गुरु जी ने जवाब दिया, ए शिवजी दी नम्रता है. गुरु जी भगवान होके इतने हम्बल थे, इतने हम्बल थे कि उन्होंने क्रिएटर होके भी शिवजी की फोटो नीचे है और गुरु नानक जी की फोटो ऊपर है. जबकि शिवजी क्रिएटर थे, शिवजी ने ही, महाशिव ने ही गुरु नानक देव जी को क्रिएट किया. सबसे पहले शिवजी आए थे. तो ऐसे गुरु जी सबको ह्यूमिलिटी सिखाते. कहते ना अहंकार नहीं होना चाहिए. ह्यूमिलिटी का मैं एक एक्सप्लेन एक्सपीरियंस बताती हूँ अपना. एक दिन रात को मैं 2 बजे गुरु जी के पास बैठी थी और एक लेडी आई, वो स्पैगेटी स्ट्रैप पहने हुए थी एंड कैपरी पहने हुए थी एंड एक कपल को साथ में लेके आई थी रात को. वो कपल भी ऐसे ही कैजुअल पहने हुए थे, बट शॉर्ट टॉप एंड पैंट पहने हुई थी वो लेडी. गुरु जी ने
नजर उठा के भी उनको नहीं देखा रात को 2 बजे, क्योंकि वो कपड़े ही ऐसे पहने हुए थे, मुझे भी देख के लग रहा था कि क्या पहन के आएंगे मंदिर में, वो शायद किसी क्लब से आए थे। तो गुरुजी ने उनको बोला अभी जाओ, बहुत देर हो गई है, कल आना। तो देखिए गुरुजी उनको डांट भी सकते थे, कभी कभी मेरा भी मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, बट गुरुजी ने कहते हैं हम्बल हो जाओ, निवा हो जाओ, निवे होते तो फल। लेकिन मुझे वो सीन हमेशा याद रहता है गुरुजी का, मैं जब भी थोड़ा सा हाइपर होती हूँ मुझे लगता है नहीं गुरुजी ने कैसा उनको कुछ नहीं बोला था, सब कुछ लेट गो करना चाहिए। गुरुजी हमें नम्रता सिखा रहे हैं कि जब हम नीवे हो जाएंगे तभी हमको गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। गुरुजी का आशीर्वाद भी डिजर्व करना पड़ता है आपको, 100% कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा गुरुजी के लिए। गुरुजी के वचन मानो, गुरुजी की भक्ति करो, गुरु जी को याद रखो, शब्द सुनो, सत्संग अटेंड करो। तो इस तरह से हमारा जैसे जैसे कनेक्शन स्ट्रांग होगा तो गुरु जी स्टेप बाय स्टेप सारी लेसन हमको सिखा देंगे। गुरु जी का थर्ड वचन है, सानू मंदिर आदि लोड नहीं है, असी ता चप्पल पाके तुर पहना है, ए मंदिर मैंने त्वाड़े वास्ते छड़ के जा रहा, ये सच दी थां है, मैं ही इस मंदिर विच रोज नए नजारे दिखाना है, एक दिन आऊगा जदों शिवलिंग विचों दूध अपने आप प्रकट होएगा। आई डू नॉट रिक्वायर टेम्पल्स, आई नेवर स्टे एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग टू लॉन्ग, आई एम लिविंग दिस टेम्पल फॉर माई संगत, दिस इज अ प्लेस ऑफ ट्रूथ एंड यू विल सी मिरेकल्स हैपनिंग हियर एवरी डे, देयर विल बी अ डे व्हेन द शिवलिंग ऑन टॉप ऑफ द टेम्पल विल हैव मिल्क फ्लोइंग फ्रॉम इट। ये हमने पहले भी बीच आई थिंक 1-2-3 साल पहले सुना था कि शिवलिंग से भी दूध आ रहा है, और गुरुजी खुद जब फिजिकली थे तो बहुत मिरेकल्स दिखाते थे। गुरुजी बार बार सारी संगत को ये दिखाते थे कि भाई वो भगवान है, बट वो ह्यूमन फॉर्म में थे तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए उनको, हम भी सामने बैठे रहते थे। और जिन्होंने शुरू में ही सरेंडर कर दिया, आई ऑलवेज रिपेंट कि मैंने गुरुजी को क्यों नहीं सरेंडर किया उस टाइम, मैंने गुरुजी के साथ क्यों ये नहीं किया, क्यों नहीं ये किया। लेकिन मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगी कि एक टाइम होता है सबका, जैसे सिंगला अंकल है जो पुरानी ओल्ड संगत है, सुखी आंटी है, सुखमनी आंटी है, कहते हैं ना कोई VIP भी किसी के घर अकेला नहीं जाता, उसकी पूरी टीम साथ में जाती है। ऐसे जब भगवान धरती पे आते हैं तो उनकी पूरी टीम साथ में आती है। आज गुरुजी जिनको छोड़ के गए, जिनको ये सब समझा के गए और जो सब गुरुजी का काम कर रहे हैं, वो सब वो धरती पे आई हुई टीम है गुरुजी की, जिसमें सिंगला अंकल हैं, जोशी अंकल हैं, उषा सिंह आंटी हैं। तो ये सब गुरुजी का काम कर रहे हैं और उनके थ्रू हमको सब मैसेजेस मिल रहे हैं और हमको भी गुरुजी सब समझा रहे हैं। गुरुजी फिजिकल फॉर्म में भी जब थे तब भी कहते थे कि मैंने सुना है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन उन्होंने किसी ने कहा था गुरुजी मंदिर भी संगत के कहने से बनवाया था, गुरुजी कहते हैं मेरे मंदिर की क्या जरूरत है। लेकिन महापुरुष कभी एक जगह पे नहीं रहते, कब ये मैंने कहीं पढ़ा भी था कि सभी संत हमेशा मूव करते रहते हैं, कभी वो एक जगह पे नहीं रहते, उनको किसी जगह पे नहीं रहते। और ये भी जो भी वहां जाते हैं वो जगह इतनी पवित्र हो जाती कि वही तीर्थ बन जाता है वहां पे। तो इसलिए और गुरुजी भगवान है फिजिकल फॉर्म में भी सब मिरेकल्स दिखाते थे, और गुरुजी के जाने के बाद भी आप देखिए कितने मिरेकल्स हो रहे हैं, कितने मिरेकल्स हो रहे हैं। और मैं तो लिविंग एग्जांपल हूँ उसका कि 2019 में ऑलमोस्ट आई हैड गॉन, डॉक्टर्स ने बोल दिया था नहीं बचेगी, 20 डेज में ICU में रही, 2 महीना में हॉस्पिटल में रही। लेकिन जो भी संगत थी दे ऑल यूज्ड टू से कि गुरुजी बचा लेंगे, गुरुजी बचाएंगे। और मैं वचन एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए मैं डिटेल में अपने सत्र में नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरा कोई चांस नहीं था। जो मुझे डिजीज थी स्वाइन फ्लू, जैसे 1 in million को होती है और जिन मिलियन को होती है उसमें सिर्फ 1 सर्वाइव करता है, नॉट इवन 1%। तो वो लाइफ मुझे गुरुजी ने दी है, भगवान न्यू लाइफ दे सकता है, आप अपने लिए एक सांस भी नहीं खरीद सकते, इवन टाटा बिरला भी नहीं खरीद सकते। तो भगवान ओनली का कंट्रोल है यूनिवर्स पे। तो ये भी मैं खुद जिंदा हूँ ये बहुत बड़ा मिरेकल है। ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स गुरुजी ने दिखाए हैं, ये तो मैं एक एग्जांपल हूँ।
तो ऐसे भगवान ही मिरेकल कर सकता है। तो भगवान अपनी प्रेजेंस दिखाने आए थे। आजकल लाइफ इतनी मटेरियलिस्टिक हो गई है कि लोग भगवान को भूल गए। तो मंदिर जाने से आपका कनेक्शन बनता है गुरुजी, इसलिए आप, क्योंकि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं रहे तो आप कहाँ जाओगे। सत्संग भी देखिए, गुरुजी तब नहीं मानते थे, गुरुजी कहते थे मैं मीडिया में नहीं आऊंगा, लेकिन गुरुजी के अपने तरीके, अब जूम पे गुरुजी ने सत्संग शुरू कर दिया। तो कितने आप सत्संग सुनते हो, आप रोज कितने मिरेकल सुनते हो। मंदिर में आए दिन आप सुनते हो कि कैंसर ठीक हो गया, बीमारियां ठीक हो गई। तो इसलिए गुरुजी ने मंदिर बनाए ताकि संगत मंदिर में जा सके। उनकी प्रेजेंस तो देखिए भगवान की सब जगह है, लेकिन वहां पे ज्यादा प्रेजेंस फील होती है, क्योंकि गुरुजी इसमें, गुरुजी ने एक बार कहा था कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग की पावर इस मंदिर में डाल के जा रहा हूँ। और ये भी आप सबने सुना ही है कि एक बारी शिवलिंग में ऐसे दूध आया था। गुरु जी का फोर्थ वचन है, त्रिशूल ब्रह्मा विष्णु और महेश का प्रतीक है, ये तीनों को शिव अपने हाथ में रखते हैं, इसलिए त्रिशूल पकड़ते हैं। देखिए भगवान जी ने ही, महाशिव ने ब्रह्मा विष्णु महेश क्रिएट किए हैं, वो तीनों एक ही है, बट तीनों का काम डिफरेंट है। एक का मेंटेनेंस है, एक का सस्टेन करते हैं, एक क्रिएटर है और एक डिस्ट्रॉयर है। रुद्र फॉर्म में डिस्ट्रॉयर है, और ब्रह्मा क्रिएट करते हैं, शिवजी विष्णु मेंटेन करते हैं। तो वो तीनों एक ही है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश दे आर नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और वो गुरु जी ने क्रिएट किए, महेश शिव जी ने क्रिएट किए, तो वो अपने हाथ में रखते हैं, अपनी क्रिएशन को हमेशा साथ रखते हैं। वो सिंबॉलिक है, त्रिशूल उनका सिंबल है कि वो तीनों एक ही हैं, इसलिए वो अपने पास रखते हैं। उनका फिफ्थ वचन है, एक सच्चा गुरु कभी किसी को श्राप नहीं देगा। देखिए भगवान पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है, कभी उसमें कोई फॉल्ट या कुछ भी कमी नहीं होती, पूर्ण रूप में होता है, 100% प्योर होते हैं भगवान। और जो सेंट्स होते हैं वो क्लोज टू गॉड होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कोई ना कमी, जब तक जैसे मीरा मर्ज हो गई कृष्ण भगवान में, ऐसे जब तक आप भगवान में मर्ज नहीं हो जाते, कबीर हैं ये सब, तब तक आप में कोई ना कोई तो नेगेटिव स्लाइट रहता ही है, आप में कोई ना कोई कमी जरूर रहती जब तक, इवन हायर लेवल के सेंट्स में भी रहती है। तो वो जैसे आपने सुना है किसका एक था, मुझे याद नहीं आ रहा, एक सेंट का, कि वो बड़े नाराज होते थे, परशुराम जी बहुत गुस्सा करते थे। तो ऐसे सेंट्स में भी गुस्सा होता है, कोई ना कोई आप में नेगेटिविटी रहती है, तो आपको वो धीरे 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 कम करनी पड़ेगी, तपस्या से वो धीरे धीरे कंट्रोल में हो जाती है। लेकिन वो लोग जब आप इनकम्प्लीट होते हो तो आपको में जो नेगेटिव होती है वो रहता है, तो आप श्राप दे दोगे, गाली दे दोगे किसी को, लोअर लेवल पे लोग गालियां देने लगते हैं। भगवान कंप्लीट है, वो संपूर्ण होते हैं, तो इसलिए वो कभी किसी को श्राप नहीं देते, वो हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं। हमारे गुरु सबको आशीर्वाद ही देते हैं, जो हायर लेवल के सेंट्स भी होते हैं, पर फिर भी कभी ना कभी रहता है उन लोगों में। देखिए मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से एक्सप्लेन कर रही हूँ, संगत जी मुझे माफ करना, मुझे इतना आता नहीं है, मुझे जितना थोड़ा बहुत मुझे आता है मैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग से। तो इसलिए ना किसी सेंट के सामने आपको आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, आपको आप उनको कुछ देना चाहो दे दो, नहीं देना चाहे मत दो, और अगर वो कुछ मांगते भी हैं या कुछ बोलते भी हैं बस हाथ जोड़ दो, और कभी उनसे ज्यादातर सवाल वगैरह नहीं करने चाहिए, और उनको ऑफेंड नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। लोग कभी साधु संत घर में आते हैं उनको नहीं भी एंटरटेन करते, निकाल देते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए हमको, और साधुओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनका सिक्स वचन है, मंदिर विच इन्ना रश हो जाएगा कि एक दिन गेट तक लाइन लगाया करूंगी, फिर गुरुजी चांद विच नजर आंगे। One day there will be such a huge crowd at the temple that there will be a queue right up till the gate of the temple. One day you will see me in the moon. Many people in the Sangat have had darshans of Guruji in the moon. Even I had darshan of Guruji in the moon. एक बारी ये गुरुजी सबको कहते थे, और जब एक बारी पूर्णिमा थी मैं वहां पे बैठी हुई थी,
गुरु जी ने कहा देखो चांद में मैं नजर आ रहा हूँ, जाके देख के आओ। जब हम बाहर गए मुझे नहीं नजर आए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन जिस दिन मुझे गुरु जी ने कहा था उससे बाद उसके बाद में हर पूर्णिमा को चांद को एक बार जरूर देखती हूँ। और मुझे पहले कभी कभी नजर आते थे, लेकिन अभी पिछले 6 महीने से मैं मुझे हमेशा गुरु जी चांद में नजर आते हैं। और मंदिर में जो गुरु जी ने कहा कितना रश होता है, आप सबको पता है कि पैंडेमिक से पहले कितना रश होता था कि बाहर तक लाइनें लगती थी। तो जो गुरु जी ने कहा है वो सब सच होगा ही, आगे भी फ्यूचर के लिए भी गुरु जी ने बहुत कहा है। गुरु जी ने सारी संगत को कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कहा है उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, तो वो सारी संगत को फॉलो करना चाहिए। और कुछ चीजें समझाने के लिए नहीं होती, वो गुरु जी सिर्फ बताते थे और कुछ सिर्फ उनका हुक्म होता था, वो उनको 100% फॉलो करना होता है। गुरु को जान, 7th है, गुरु को जान और दान कोई नहीं दे सकता। हम सब ह्यूमन बीइंग 0 लेवल पे है। तपस्या और भक्ति जो लोग बहुत उनकी हायर लेवल की होती है उनको थोड़ी भगवान की अंडरस्टैंडिंग होती है, पूर्ण गुरु की अंडरस्टैंडिंग होती है, हमको तो है ही नहीं बिल्कुल भी, एटलीस्ट मुझे तो नहीं है। तो जान और दान कोई नहीं सकता। दान हम गुरु को क्या देंगे, देखिए सब कुछ भगवान का दिया हमारे पास है। हम गुरु जी से मिलने के पहले हम जब भी किसी मंदिर में जाते थे, यहाँ तक भी आज भी हम अगर गुरु जी के भी मंदिर में जाते हैं और दान बॉक्स रखा होता है, पहले मंदिरों में हम छोटा सा छोटा नोट चढ़ाते थे, आज भी हम मंदिरों में जब जाते हैं, या हम मंदिरों में तो नहीं जाते सॉरी, लेकिन जब हम गुरु जी के मंदिर में जाते हैं, अभी हमारी हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे पर्स में कभी बहुत सारा पैसा है तो हम उठा के एकदम सारा पैसा डाल देंगे। तो इसलिए हमको, इसलिए गुरु जी कहते थे कि हमको आजकल कलयुग में इतनी मटेरियलिस्टिक लाइफ है कि हम कभी दान दे ही नहीं सकते। हम जितना भी हमारे पास होगा हर लेवल पे आप 10% दे दो वही बहुत है, जो शास्त्रों में लिखा है, जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है। बट इसीलिए गुरु जी ने कहा ना कि जान और दान कोई नहीं, गुरु जी ने मुझे कोई नहीं दे सकता। गुरु जी ने मुझे 2-3 बात कही थी। एक बार ही मुझे कहा गुरु जी ने डायमंड ला दे मेरे वास्ते। अब देखिए मैंने कभी गुरु जी को डायमंड नहीं दिया, बिकॉज जिस दिन मुझे गुरु जी ने कहा था मुझे नहीं समझ में आई कि गुरु जी टेस्ट ले रहे थे मेरा, मुझे सिर्फ हाँ कहना था। गुरु जी ने जो भी कहा था उसके लिए मुझे सिर्फ हाँ कहना था। बट आई थॉट कि अगर मैं बोलूंगी कि मेरे हस्बैंड को कि मुझे गुरु जी डायमंड मांग रहे हैं तो शायद मेरा यहाँ आना बंद ना हो जाए, और इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं, अपने अंकल को भी नहीं बताया। मेरे अंकल को बताती तो शायद दे देते, लेकिन मैंने बताया नहीं तो मैंने उनको कभी कुछ दिया नहीं। गुरु जी की फिजिकल लाइफ में मैंने कभी कुछ गुरु जी को नहीं दिया। और जिनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, देखिए यहाँ पे सत्संग स्टार्ट हुआ 2008 में, जब हमने सत्संग स्टार्ट किया तो एक यंग कपल आना शुरू हुए आफ्टर 1 ईयर आई थिंक। बहुत मेरे से बहुत कम एज के थे वो, मेरे बच्चों की एज की लड़की थी, और उसने साउथ इंडियन लड़की थी, उसकी अंडरस्टैंडिंग गुरु के बारे में इतनी क्लियर थी। शी सेड आंटी मैं जब भी जाती हूँ अपने गुरु के पास, उसके बच्चे स्कूल में ही थे, समर वेकेशन में वो इंडिया जाती थी, साउथ की थी, उसके हस्बैंड के शादी से पहले कोई और गुरु थे और उसकी वाइफ के शादी से पहले कोई और गुरु थे, तो उसको वो हमेशा जब भी वेकेशन में जाती थी वो अपने गुरु के लिए गोल्ड कॉइन लेके जाती थी, और उसका हस्बैंड भी अपने गुरु के लिए गोल्ड कॉइन लेके जाते थे। उनको इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि गुरु को कभी भी आपको दक्षिणा हमेशा देनी चाहिए, खाली आप दर्शन नहीं करने थे। ये मुझे सब कुछ बाद में समझ में आई, लेकिन मुझे गुरुजी ने बड़े बड़े आशीर्वाद दिए, फिर भी मैंने गुरुजी को ना कुछ ना देने के बाद भी, बिकॉज मेरा ध्यान हमेशा गुरुजी के पास पास रहता था, पूरा ध्यान मेरा गुरुजी में रहता था। मैंने कोई बात गुरुजी की सुनी नहीं सुनी कुछ मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरा ध्यान 100% गुरुजी में रहता था, और मैंने कभी गोल्ड नहीं दिया, कभी कुछ नहीं दिया गुरुजी को। एंड में गुरुजी ने मुझे एक दिन ये भी कहा था कि मेरे वास्ते अपना सारा सोना ला दे। ये बात गुरुजी ने मुझे मैसेज भेजा था आई थिंक मार्च 2007 में, लेकिन मुझे लगा मैं एकदम घबरा गई। मैंने सोचा मेरे बच्चों की शादियां आ रही, सारा सोना ला के दे दूंगी तो मैं लॉकर खाली निकलेंगे तो अपने हस्बैंड को क्या बोलूंगी, और मैंने नहीं दिया। तो देखिए ये अंडरस्टैंडिंग भी धीरे धीरे, जब आप भक्ति करते हो गुरुजी जब आपको समझाते
तब आपको समझ में आती है। ये सब बातें मुझे अब समझ में आने लगी पिछले 2 सालों में। तो मुझे क्यों नहीं समझ में आई तब, मैंने 1 ग्राम भी गोल्ड नहीं दिया गुरु जी को, और फिर भी गुरु जी ने बड़े बड़े आशीर्वाद दिए। और वो मेरे से 1/2 इंच की लड़की थी, और वो सालों से अपने गुरु के लिए गोल्ड कॉइन लेके जाती थी, उसका हस्बैंड भी लेके जाता था, जबकि वो सैलरी वाले लोग थे। तो ये सब समझना थोड़ा मुश्किल होता है, आपका स्पिरिचुअल लेवल कहाँ क्या है, आप कहाँ से शुरू होते हो, ये सब चीजें इन सब चीजों पर भी डिपेंड करती है। लेकिन हमारे गुरु जी भगवान थे, सब कुछ माफ, आप जहां से शुरू करोगे वहीं से गुरु जी आपको आपका आशीर्वाद पूरा है, गुरु जी पूरा आशीर्वाद देते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि आप नहीं मानोगे, नहीं देंगे, गुरु जी आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेन करते हैं। तो इसलिए दान वान भी तो गुरु जी कोई नहीं दे सकता, गुरु जी को उन्हीं का है सब कुछ, वो चाहे तो जब मर्जी सब कुछ ले ले। वो छोटे छोटे सिर्फ टेस्ट लेते थे। और देखिए ये है ना, जान देने की बात है, जान तो बहुत दूर की बात है, जब हम उनका दिया हुआ जो हमारे पास है उसी में से हम नहीं दे पाते हैं, उसी को सरेंडर नहीं कर पाते गुरु के सामने, तो जान देने की बात तो बहुत दूर रही। लेकिन हमको इस बात का अफसोस नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि ये सब गुरु जी जब करवाए तभी हो सकता है, और बहुत समझ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बहुत हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी चाहिए। मैंने एक बुक में पढ़ा था कि एक गुरु ने किस के पास कोई डिसाइपल गया, और वो यंग लड़का था, उसने कहा मुझे ना आप अपना नाम दे दो। तो गुरु जी ने कहा मैं तुझे ऐसे नाम नहीं दे सकता, उसके गुरु कहते मैं तुझे नाम नहीं दे सकता, अभी तेरा टाइम नहीं हुआ, इसे देखो नाम नहीं दोगा ना दोगे ना तो मैं पहाड़ी से कूद जाऊंगा। तो उनके गुरु कहते हैं कूद जा फिर, पर मैं तुझे अभी नाम नहीं दे सकता। और वो लड़का सच में पहाड़ी से कूद गया एंड ही डाइड। गुरु ने अपने डिसाइपल्स को भेजा कि उसको नीचे से उठा के लाओ और उसको रिवाइव किया। देखिए उसने एक ही दिन में सरेंडर भी हो गया उसका, और उसको अपने गुरु को पा लिया। तो गुरु को पाना इतना आसान नहीं होता, आपको गुरु जी को फॉलो करना पड़ता है, और बहुत गुरु जी छोटे छोटे टेस्ट लेते हैं, बहुत कॉन्शियस लिविंग होनी चाहिए उसके लिए कि आपको हर बात समझ में आ जाए गुरु जी की। बट सुखमणि आंटी को ये सब बोला है गुरु जी ने, तो उनका बहुत हायर लेवल की अंडरस्टैंडिंग जरूर होगी, ऐसा मेरा मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, गुरु दी उस्तक करना पाठ करन तो भी बेहतर है। जब हम पाठ करते हैं तो सिर्फ हम अपने लिए पाठ करते हैं, अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, या हमको कुछ गुरु से चाहिए इसके लिए पाठ करते हैं, या हमको इनिशियली इतनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि हम गुरु जी से कनेक्शन बनाने के लिए या गुरु के लिए भक्ति कर रहे हैं। मैं गुरु जी से 2001 में जुड़ी, अभी आई थिंक आफ्टर 6 मंथ्स बिफोर मैंने उषा भाटिया जी आंटी जी के सत्संग में सुना था कि उन्होंने कहा कि गुरु जी ने उनको कहा था कि मेरे लिए पाठ किया करो, और उन्होंने गुरु जी ने उनको कहा मेरे लिए कोई सोचता नहीं है, मेरे लिए भी पाठ किया करो, उषा को बोला मेरे लिए पाठ किया करो। उस दिन हमको समझ में आई कि गुरु के लिए भी पाठ करना होता है, सिर्फ अपने लिए नहीं, गुरु को भी पाठ की जरूरत होती है। तो ऐसे गुरु के लिए पाठ करना चाहिए, और उस्तक करने से क्या होता है, गुरु जी के गुण गाने से आप संगत को जोड़ते हो, आपके जो एक्सपीरियंस है उससे आप संगत जोड़ते हो। गुरु जी 3 चीजें बोलते थे, दान किया करो, पाठ किया करो और संगत जोड़ो। तो आप उस्तक करने से, गुरु जी के गुणगान जाने से, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, गुरु जी ने मुझे न्यू लाइफ दी है, जब भी मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ बड़े लोगों को स्ट्रेंथ मिलती है उससे कि हाँ हम भी ठीक हो जाएंगे, और उनका गुरु जी से कनेक्शन बनता है, गुरु जी में फेथ आता है। तो इसलिए हमेशा पाठ करने से उस्तक करना बेहतर है, हमेशा अपना सत्संग सबको सुनाना चाहिए। गुरु जी ने लाइट ऑफ डिविनिटी जब लिखवाई थी सबको बोला था अपना एक्सपीरियंस लिख के दो, उसके बाद लाइट ऑफ डिविनिटी आई, अब जूम पे सत्संग शुरू हो गए। तो सब संगत के पास कोई ना कोई एक्सपीरियंस जरूर होता है, लेकिन वो शाय फील करते हैं थोड़ा सा। मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि इट्स लाइक टॉकिंग ऑन द फोन, जैसे आप फोन पे बात करते हो ऐसे समझ के करो। तो आपका छोटा छोटा भी एक्सपीरियंस होता आपको जरूर सुनाना चाहिए, शेयर करना चाहिए, ताकि नई संगत को अपने जवाब मिले और थोड़ी स्ट्रेंथ आती है। बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज नॉट विदाउट प्रॉब्लम, किसी की लाइफ में कल थी, किसी की लाइफ में आज प्रॉब्लम है, और किसी की लाइफ में कल होने वाली है। लेकिन सत्संग सुनने से
आपको एक तो बहुत स्ट्रेंथ मिलती है और इनर स्ट्रेंथ से आप क्राइसिस में सरवाइव कर पाते हो। इसलिए हर संगत को जो भी एक्सपीरियंस है, छोटा छोटा भी एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहिए और गुरुजी का आशीर्वाद भी मिलता है। गुरुजी कहते थे ना, सत्संग सुनाने वाले का भी को भी आशीर्वाद है और सुनने वाले को भी। तो इसलिए संगत जी, गुरुजी की पुस्तक करना पाठ करने से बेहतर होती है। पाठ सिर्फ का फायदा सिर्फ हमको होता है। नाइन्थ वचन है, मैं डेलिकेट ना नहीं हाँ, जे मैं चाहते तानु सारे यानो एक हाथ नाल चक के बाहर मार सकता हाँ, जलंधर बैठे मैं फूंक मार के बॉम्बे बंदा साड़ सकता हाँ। आई एम नॉट डेलिकेट, इफ आई वॉन्ट आई कैन पिक ऑल ऑफ यू विथ वन हैंड एंड थ्रो यू आउट। सिटिंग इन जलंधर आई कैन बर्न अ पर्सन इन बॉम्बे। वो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो लाइफ दे सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। और गुरु जी की फिजिकल बॉडी बहुत डेलिकेट थी, सबने देखी, उनके पूरी बॉडी में एक भी बाल नहीं था, इतनी सॉफ्ट बेबी सॉफ्ट स्किन थी, बहुत डेलिकेट लगते थे गुरु जी। लेकिन वो भगवान है, इंटरनली बहुत बहुत स्ट्रांग थे भगवान। सब कुछ दुनिया में अपसाइड डाउन कर सकते थे, लेकिन वो हमेशा कहते थे गुरु जी फिजिकल फॉर्म में कि मैं नेचर के अगेंस्ट कुछ नहीं करूँगा, बट अदरवाइज वो सब कुछ कर सकते, ऐसा कुछ नहीं जो गुरु जी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है टेंथ, मैनू हवाई जहाज की कोई लोड नहीं, मैं ता आप उड़ के चला जाता हाँ, आधे घंटे विच मैं अमेरिका तो होके वापस आ जाता हाँ। आई डोंट नीड एरोप्लेन्स टू ट्रेवल, आई फ्लाई टू वेर एवर आई हैव टू गो, विद इन हाफ एन आवर आई कैन गो टू अमेरिका एंड कम बैक एज वेल। देखिए ये सब कुछ ना, ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ एनर्जी। आप फाइव एलिमेंट्स हैं जितने जिससे ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। जब हम नहीं रहते शरीर में तो फाइव एलिमेंट्स सब में मर्ज हो जाते हैं, अर्थ में डिजॉल्व मर्ज हो जाती है, और वाटर में वो सब मुझे डिटेल नहीं समझाना नहीं आ रहा, लेकिन वो सब गुरुजी न्यू हाउ टू मैनिपुलेट एवरीथिंग। एनर्जी को मैनिपुलेट करना गुरुजी को आता था, कैसे नहीं, भगवान ही तो क्यों नहीं आएगा, उन्होंने सब एनर्जी से सब कुछ बनाया। एक इंसान एक लेडी के वॉर्म में अगर गुरुजी पूरा बच्चा बना सकते हैं, भगवान की क्रिएशन है, तो गुरुजी के लिए क्या मुश्किल है। उनको वो कहीं भी अपनी बॉडी क्रिएट कर लेते थे, वो अमेरिका जाके वापस आ जाएंगे, उनके उनको लिए तो आधा घंटा भी बहुत ज्यादा है। एक बार किसी को कहा भी था गुरुजी ने कि जा देख अपने अमेरिका फोन करके पूछ ले, मैं वहां जाके आ गया। नेक्स्ट इलेवेंथ है, 100 साल की तपस्या बाद ही बॉडी जो खुशबू आनी शुरू होनी है। उनकी बॉडी फुल्ली प्योरिफाइड बॉडी थी, भगवान की बॉडी थी, हर एलिमेंट उनका प्योर था। हमारे अंदर जितनी इम्प्योरिटीज हैं 0.1% भी उनमें नहीं थी, सब प्योरेस्ट ऑफ प्योर भगवान होते हैं। तो इसलिए और तपस्या से ही आपको पता है ना, तब जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो आपका खाना पीना सब कुछ कम होता जाता है, आपकी बॉडी प्योरीफाई होती जाती है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में एक बाला सेंट है, शायद लेडी सेंट है, उसमें लिखा हुआ है 60 years शी डिड नॉट ईट एनीथिंग और विदाउट फूड एंड वाटर 60 years शी सर्वाइव्ड। उससे पहले उसकी जब उसकी शादी हुई थी सो मच कि उसकी मदर इन लॉ हमेशा उसको अब्यूज करती थी, कितना खाती है। एक दिन उसने डिसाइड कर लिया कि आज से मैंने खाना नहीं खाना, और उससे 60 years वो फूड एंड वाटर के बिना सरवाइव किए। देखिए तो इसलिए दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, आप तपस्या करो, भक्ति करो। और भक्ति देखिए कितने जो हिमालय में गुफा में बैठे हुए, अभी मैंने रिसेंट एक सत्संग सुना था कि गुरुजी के पास एक कोई लड़का आया, यंग लड़का, और उसको वो जब खड़े होके जाने लगे तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने उनको बोला क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा गुरुजी आपने तुलसी की माला पहनी हो मुझे दे दो, तो गुरुजी ने दे दी।
फिर जब वो गए तो गुरुजी ने किसी से पूछा इसकी उम्र कितनी है, तो उन्होंने बोला होगी अंकल गुरुजी 30-35 साल। इसे नहीं, इसकी उम्र 250 साल है। तो जो महावतार बाबा जी हैं वो आज भी जिंदा है, तो इसलिए सेंट्स की उम्र बहुत ज्यादा होती है। और तपस्या से गुरु जी के कहते थे ना ग्लो आता है फेस पे, उनको खाने पीने की कोई जरूरत नहीं होती है। और धीरे धीरे प्योरिफाइड बॉडी में से गुरु जी तो कुछ भी कर सकते हैं, तो फ्रेग्रेंस गुरु जी अपनी देते थे अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए। 12th है, जिस दे घर में चला जावा उसने सारी उम्र पाठ करन दी लोड नहीं है। द पर्सन हुज हाउस आई विजिट आई डू नॉट नीड टू प्रे फॉर द एंटायर लाइफ टाइम। ये फैक्टर गुरु जी मेरे घर भी आना चाहते थे, क्योंकि बिकॉज हमेशा गुरु जी मुझे कहते थे अपना घर ना स्टाइलिश बना ले, अपना घर स्टाइलिश बना ले। मैं इंडिया में नहीं रहती इसलिए मेरा घर फंक्शनल हाउस था, बेसिक चीजें थी उसमें। मेरा इवन किचन भी फंक्शनल नहीं था, मैं कभी किचन में खाना वाना नहीं बनाते थे, तो मैं गुरुजी की बात समझ नहीं पाई। अगर गुरुजी मुझे ये कहते कि तू अपना मैं तेरे घर आना चाहता हूँ तो तू अपना घर स्टाइलिश बना ले, तो हम शायद 4 दिन में बना लेते, बट वो नहीं हो पाया। मेरे हस्बैंड आर्किटेक्ट है, उनको सब पता है, तो करा लेते, हफ्ते में करा लेते। लेकिन गुरुजी ने मुझे वो कभी नहीं कहा कि मैं तेरे घर आना चाहता हूँ, लेकिन गुरुजी ने मुझे हमेशा कहते थे स्टाइलिश बना ले। फिर कहते थे हो गया तेरा घर स्टाइलिश, में कहती थी हाँ जी हो रहा है। फिर हमने एक लिविंग रूम में सोफे वगैरह बनवाए, सब कुछ बनवाया, फिर एक एक करके हमने सोचा रूम कर ले, हर ट्रिप में एक रूम सेट कर लेंगे अच्छे से। हर बार गुरुजी मुझे कहते थे वो तेरा रूम होगा, तेरा घर हो गया स्टाइलिश। मैं कहती थी गुरुजी अभी नहीं हुआ, हो रहा है हो रहा है। फिर गुरुजी ने एक स्टेज पे कहना बंद कर दिया, गुरुजी देखिए कुछ कहते हैं जब आप रिसेप्टिव होगे ना तभी आपको समझ में आएंगे। मेरी लाइफ इतनी फास्ट थी कि मैं गुरुजी की बातें समझती नहीं थी, सोचती नहीं थी, सोचती तो शायद मुझे समझ में आती। गुरुजी के जाने के बाद मुझे लगा कि बार बार गुरुजी इसीलिए कह रहे थे कि अपना घर स्टाइलिश बना रहे, कि शायद गुरुजी आना चाहते थे। और संगत जी जिस घर में गुरुजी चले जाते हैं वो घर पवित्र हो जाता है। मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, मैंने एक बुक में पढ़ा था कि महापुरुष तीर्थों में दर्शन करने नहीं जाते, वो तीर्थों को पवित्र करने जाते हैं जो आम आदमी की नेगेटिविटी से अपवित्र होते हैं। जैसे गंगा आम आदमी की नेगेटिविटी से और वहां पे मैली होती है, महापुरुष नहा के साधु महात्मा उसमें नहा के उसके जल को पवित्र करते हैं। ऐसे धरती पे भी जहां जहां महापुरुष बैठे हैं वहां पे सब तीर्थ धाम बन गए। जिस घर में गुरु जी ने पैर रख दिया वो एक तीरथ की तरह हो जाता है, उसमें कोई इतना प्योरीफाई हो जाता है वो घर और इतना ब्लेस्ड हो जाता है कि उसके बाद उस घर में कभी कोई पाठ नहीं करने की जरूरत होती है। कुछ संगत ऐसी भी है जो जिनको गुरु जी ने बोला है कोई पाठ करने की लोड नहीं, क्योंकि उन्होंने गुरु जी की इतनी सेवा की है, गुरु जी भक्ति की है, उनकी जनरेशन पार लग गई। तो इसी तरह अब जो हम लोग का तो जो हम पुरानी संगत का तो जो है सो है, लेकिन अगली जनरेशन के लिए सब मैसेजेस हैं कि हमेशा जो गुरु बोले उसके सामने कभी मुंह नहीं खोलना चाहिए किसी भी गुरु के सामने, और साधु संतों का अपने घर में वेलकम करना चाहिए। साधु संतों के घर घर में आने से घर पवित्र हो जाता है। नंबर 13 है, जदों गुरु कोल आंदे हो ता त्वाड़ा भला सोचना साडा काम है, तुसी सारे अपने पाप दी पंड मेरे कोल छोड़ के मेरी ब्लेसिंग लेकर जांदे हो। व्हेन यू कम टू मी इट इज माय जॉब टू थिंक ऑफ योर बेनिफिट, यू ऑल लीव योर बंडल्स ऑफ बैड कर्मास एट माय फीट एंड गो होम विद माय ब्लेसिंग्स। गुरुजी महापुरुष है, कभी किसी का अवगुण नहीं देखते। जब आप गुरुजी के चरणों में पहली बार माथा टेकते हो तो गुरुजी आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर गुरुजी आपके लिए अच्छा ही सोचे। देखिए कोई अच्छा इंसान भी किसी का बुरा नहीं सोचता, तो गुरुजी कैसे आपका बुरा करेंगे। जब आप गुरुजी की शरण में आ गए उसके बाद जो होता है वो अच्छा ही होगा,
गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं। गुरु जी किसी को कहते हैं ना वो साधु संत श्राप नहीं देते, ऐसे गुरु जी किसी को डांटते भी नहीं थे। अगर डांटते तो वो कहते हैं क्या अंदर कुछ नेगेटिविटी आ जाती है, उसको डांट रहे होते हैं, भगा रहे होते हैं। बट गुरु जी सबको ब्लेस करते थे। कोई एक बारी मुझे सिंगला अंकल ने एक सत्संग सुनाया था, पता नहीं सिंगला अंकल को भी याद है कि नहीं, मैं उनसे एक बारी पूछने वाली हूँ दोबारा, कि एक लंगर चल रहा था और एक अंकल आए, तो सिंगला अंकल लाइन कंट्रोल करते थे। एक जो लोग अंदर लंगर कर रहे होते थे, आधे लोग बाहर खड़े होते थे, तो सिंगला अंकल ने उनको रोका और बहुत कहा कि अंकल प्लीज अभी लंगर चल रहा है, अंदर मत जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं, मुझे जाना है। तो अंकल ने एक दो बार मना किया, फिर अंकल छोड़ देते हैं, जब आप सुनोगे नहीं अंकल की तो अंकल क्या करे। और वो अंकल जो एंटर हुए, उन्होंने गुरु जी के आगे मत्था टेका और बाहर चले गए। फिर मुझे सिंगला अंकल ने बताया था कि वो अंकल की वो नेक्स्ट डे फांसी लगने वाली थी, वो लास्ट विश पूछते ने जेल में, तो उन्होंने कहा था कि मुझे उस गुरु के पास जाना है, और वो लोग लेके आए दर्शन के लिए सत्संग में, वो सिर्फ दर्शन करके चले गए और उसकी फांसी माफ हो गई। तो इसलिए गुरु जी सबको इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, कभी नहीं सोचते गुरु जी। एक और भी मैंने सत्संग सुना था इससे रिलेटेड, कि एक आईएएस ऑफिसर आती थी गुरु जी के पास, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगी यहाँ पे, वो बहुत करप्ट लेडी थी, बहुत ब्राइब लेती थी। तो जिस दिन वो फर्स्ट टाइम आई, गुरु जी बड़े मंदिर सब कुछ सब थोड़ी संगत को लेके गए, तो उस लेडी को बोला, वो लेडी भी गई साथ में, तो जो पुरानी संगत थी उससे पुरानी संगत, उनको लगा कि गुरु जी इनको क्यों लेके जा रहे हैं, इतनी करप्ट लेडी है और उसकी बहुत खराब रेपुटेशन भी थी। तो गुरुजी ने टर्न होके उन संगत को बोला जो ये सोच रहे थे कि महापुरुषों की कृपा सब पे एक बराबर, फिर आपके ऊपर है। गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं, फिर थोड़ा होमवर्क हमको भी करना पड़ता है कि हम भी अपनी नेगेटिविटी कम करने की कोशिश करें, और अगर हमसे नहीं कुछ होता तो हम गुरुजी को सरेंडर भी जब गुरु कराएंगे तभी होगा, लेकिन हमको हमेशा गुरु जी का मंत्र जाप करते रहो, गुरु जी को याद रखो, गुरु जी का सत्संग सुनाते रहो, लोगों को संगत को जोड़ते रहो, कुछ नहीं शब्द सुनते रहो, तो धीरे 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 हमारी कनेक्शन हमारा स्ट्रांग बन जाएगा और धीरे धीरे हमारी नेगेटिविटी कम हो जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है कि गुरुजी ने जो कहा है ना कि जब गुरु को लांदे हो तो हम हमारी सब नेगेटिविटी गुरुजी के चरणों में चली जाती है और गुरुजी हमको ब्लेस करते रहते हैं, ब्लेसिंग्स धीरे 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 हमको प्योरीफाई करती रहती है। जैसे जैसे हम गुरुजी के करीब जाएंगे ऐसे ऐसे हमको गुरुजी की बातें समझ में आने लगेंगी। 14, कभी भी गुरु को अपनी सरकारी गड्डी विच मिलन ना आया करो, अपनी प्राइवेट गड्डी विच अपने पैसे खर्च के आया करो, ता ही फल मिलता है। जय गुरु जी। नेवर यूज योर ऑफिस और स्टाफ कार टू कम मीट मी, ऑलवेज यूज योर प्राइवेट कार एंड स्पेंड योर ओन मनी, ओनली देन विल यू गेट माय फुल ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी। कलयुग में सबको पैसे से बहुत अटैचमेंट होती है। गुरु जी कहते थे सब कुछ इंजॉय करो लेकिन अटैच नहीं रहना चाहिए किसी भी चीज से। और ये जो गुरु जी कहते हैं ना कि अपने पैसे खर्च करके आया करो, अगर आप सरकारी गाड़ी में आते हो, आप एक तो स्टेटस है कि आप सरकारी गाड़ी में आए हो, थोड़ी आपकी ईगो भी होती है। गुरु जी उस नहीं चाहते थे, एक नॉर्मल इंसान बन के हमको जाना चाहिए, वहां पे स्टेटस का कोई मतलब ही नहीं है, चाहे कोई कहीं से भी आए, किसी का कोई भी स्टेटस हो। लोग बोलते मैं ये हूं, मैं हूं, मैं करने वाले थे तो गुरु जी बहुत नाराज होते थे, मैं ही तो हमको निकाल दिए। अब इसकी बात में अगर आपको बताऊं तो जब मैं बीमार हुई थी तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया था मेरी परसेंटेज ऑफ ईगो एंड मेरी परसेंटेज ऑफ भक्ति। तो वो माय परसेंटेज ऑफ ईगो वाज मच हायर देन माय परसेंटेज ऑफ भक्ति। तो हमें बहुत कॉन्शियसली एफर्ट करनी पड़ेगी कि हम मैं करना बंद कर दें। एक और भी सियाटल में एक अंकल रहते थे, उनका भी सत्संग इसके लिए
उनको भी गुरु जी ने यही कहा था, मैं उनका सत्संग नहीं सुनाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, कि भाई तू मैं बंद कर दे, जो किया मैंने किया है सब कुछ, जो भी जात तेरे पास है सब मैंने दिया है, मैंने किया है। वो हम सब के लिए भी है कि हमारी लाइफ में हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ है गुरु जी के, हमारा स्टेटस, हम गुरु जी के सामने अपना स्टेटस दिखाने की कोशिश करते हैं, सरकारी चट्टी में आएंगे और बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके, फिर वो सब गुरु जी को बिल्कुल नहीं पसंद था। अपनी में होके जाओ और अपनी गाड़ी में जाओ, अपने पैसे खर्च कर दे। मुझे ये भी समझ में आती थोड़ी, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से बता रही हूँ संगत जी, कि जब हम अपनी गाड़ी में जाते हैं अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम साथ में उन लोगों को भी साथ में बिठा कर ले जा सकते हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते। हम ही अगर अफोर्ड कर सकते कार और दूसरों की गाड़ियों में बैठ के लिफ्ट लेके जाएंगे कि चलो हमें पेट्रोल नहीं लगाना पड़े, हमारे पैसा नहीं लगे, वो फिर सेवा नहीं हुई। हमको गुरु जी एक मौका देते हैं, भगवान ने जिसको थोड़ा बहुत दिया है, कि हम सेवा करें, लोगों को कनेक्ट करें। जब हमारी गाड़ी में अगर दो लोग हैं तो दो की जगह है, तो हमको दो को जरूर किसी ऐसे को लेके जाना चाहिए जिसके पास, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, या जो लोग बस में लेके जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, तो उनकी हेल्प करनी चाहिए और उनको साथ लेके जाना चाहिए, अपने पैसे खर्च करने की गुरु सेवा में, तो आपका पैसा भी ब्लेस हो जाता है। गुरु जी का कहने का मतलब यही था कि अपने पैसे खर्च करके आया करो, तो अपना पैसा भी सरेंडर करने के लिए तैयार होना चाहिए, हमको जितना हो सके दान करना चाहिए, गुरु जी कहते थे ना। तो हमेशा हम अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं, हमें खुद अपनी गाड़ी में जाना चाहिए और साथ में संगत को भी ले जाना चाहिए अगर जगह है तो। नेक्स्ट है 16, मैं हर शिवरात्रि नु अपना अंग अंग अलग कर देता है। देखिए उस संगत जी, ये उन्होंने सुखमणि जी को कहा था, लेकिन ये सब ये मुझे पता है कि भगवान अपना अंग अंग अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है, जितनी भी एनर्जी है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं हर चीज का, तो वो अपना अंग अंग भी अलग कर सकते हैं, अपनी पूरी बॉडी भी क्रिएट कर सकते हैं। बट ये जो वचन है, मैं हर शिवरात्रि नूं अपना अंग अंग अलग कर सकता हूँ, तो फॉर पर्टिकुलर शिवरात्रि के दिन ही क्यों करते हैं ये भगवान को ही पता है, मुझे नहीं पता। हाँ, शिवरात्रि बहुत बड़ा दिन होता है, बहुत बड़ा दिन होता है, इसलिए मुझे ये समझ में आ रहा कि मैं हर शिवरात्रि को अपना अंग अंग कलर कर दींदा है, मतलब हर शिवरात्रि को अपना हर पार्ट ऑफ बॉडी अलग कर देते हैं। ऑन एवरी शिवरात्रि आई सेपरेट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। ये रीजन तो सिर्फ भगवान को पता होता है कि वो क्यों वो करते हैं, बट ये उन्होंने बताया है हमको कि उनमें इतनी पावर है, और फिर उसको अलग अलग करके अपनी पूरी बॉडी क्रिएट कर लेते हैं वो। तीरथ 17 है, तीरथ पदार्थ तू तीरथ पदार्थ ना गुरु दे चरना विच रुल दे। हाँ, वंस यू कम टू गुरु देर इज नो नीड फॉर पिलग्रिमेजेस एंड सर्च फॉर वेल्थ, सिंस ऑल दिस कैन बी फाउंड एट द गुरुज फीट। जब आप गुरु को सरेंडर कर देते हो तो गुरु जी की, गुरु जी हमें स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, हमारी सोल की प्रोग्रेस के लिए है गुरु जी। ये सब जो बंगला गाड़ी है ये सब तो गुरु जी चॉकलेट की तरह बांटते हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्मूथ करने के लिए गुरु जी आपको सब कुछ दे देंगे, जिससे आपको कोई टेंशन ना रहे दिमाग में और आप गुरु की भक्ति करो। इसलिए सब कुछ गुरु जी को बिलोंग करता है, सब कुछ गुरु जी के पास है, सब गुरु जी सबको देते हैं, पर जिनके पास नहीं भी है, जिनके पास कम भी है। एक मैंने गुप्ता अंकल का सत्संग सुना था, जिनको ड्राइव करने भी नहीं आती थी, और वो शोरूम में गए, गुरु जी उनको कहा था गाड़ी लेके आ, और खुद ड्राइव करके आए, ना ही उनके पास लाइसेंस भी नहीं था। तो गुरु जी के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, सब कुछ गुरु जी के पास था, इसलिए गुरु जी सबको सब कुछ दे देते हैं, जिससे कि आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इजी हो जाए। बट आपको उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि गुरु जी ने थोड़ा सा कुछ दे दिया, फिर और चाहिए, फिर गुरु जी बहुत पैसा देते हैं तो बड़ी गाड़ी चाहिए, फिर मर्सिडीज चाहिए, फिर ये भी चाहिए, फिर एक बंगला गुरु जी ने दे दिया आपको दूसरा भी चाहिए, हम उसी में उलझ जाते हैं फिर। तो हमारा फोकस गुरु जी पे रहना चाहिए, तो सब कुछ आप प्रोग्रेस करते जाओगे, सब कुछ आपको मिलता जाएगा। लेकिन जहां आपका प्रोग्रेस हट जाता है, आपका फोकस हट जाता है गुरु जी से, फिर हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं, फिर लगता है अरे इतना अच्छा हो गया था, अब ये क्या हो गया,
नहीं, हमारा फोकस गुरुजी पर रहना चाहिए, तो गुरुजी आपको टेंशन फ्री कर देंगे, गुरुजी की आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, हर चीज आपको दे देंगे जिससे आपको कभी कोई टेंशन ना हो। आपका ध्यान गुरुजी में होना चाहिए और गुरुजी की भक्ति करनी चाहिए। नंबर 18, लोगानु महापुरुष रखने ही नहीं आंदे, उन्हानु फूल वंगा रखना पैंदा है, हर मिनट उन्हां दा ध्यान रखना पैंदा है। People don't know how to look after a true Mahapurush. He should be kept like a flower. He needs to be taken care of every minute. आपको पता है गुरुजी लोगों की बीमारियां अपने ऊपर लेते थे, कितना उनको दर्द होता था। मैंने तो यहाँ तक की सुना है कि गुरुजी वॉमिटिंग करते थे ब्लड की भी, तो वो। और मैंने एक बार एक भी ये भी सुना था कि गुरुजी ने में इतनी एनर्जी थी कि वो जो कारपेट था वो जल गया था उनके पैर से, तो उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बहुत डेलिकेट थे गुरुजी, बहुत डेलिकेट, और इतनी एनर्जी हैंडल कर पाना, भगवान को ह्यूमन बॉडी में लिमिटेड एक स्ट्रक्चर बॉडी में रहना, उतनी एनर्जी को उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता था। लेकिन हम इंसान तभी समझ नहीं पाए कि भगवान हमारे लिए मृत्यु लोक में आए और हम उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए। आधे लोगों को तो कलयुग में ये नहीं समझ में आया कि भगवान है, तो उनको समझ ही कैसे आता कि भगवान को कैसे हैंडल करना। तो ये गुरुजी सब समझा रहे थे उनको, सुखमनी आंटी को समझाया था। देखिए गुरुजी, अगर सुखमनी आंटी ने सबको बताया होता ये सब वचन, अगर हमने पहले सुने होते तो हम उस टाइम डिफरेंट होते, आज भी डिफरेंट होते। बट गुरुजी की जब मर्जी होगी तभी गुरुजी सब सुनवाते हैं। तो इसलिए हमें गुरु की बहुत बहुत केयर करनी चाहिए। गुरुजी की बहुत ही बॉडी एक होता था, गुरुजी को बहुत ही बॉडी एक होता था, ऐसा मैंने सुना है। अब मुझे सुन के भी बहुत दुख होता है, हमारे माँ बाप अगर ऐसे हों तो अच्छे बच्चे को कितना दुख होता है, कितना ध्यान रखते हैं हम अपने पेरेंट्स का। लेकिन हमने, अफसोस है मुझे कि मैं गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं किया, हमें समझ ही नहीं आती थी। जिनको समझ में आती थी उनको गुरुजी ने सेवा तो दी थी, पर हमें तो समझ भी नहीं आई कि इतना बॉडी एक होता है इनको, ये सब होता है। गुरुजी रॉयल चोला पहन के बैठ रहे थे, रॉयल पर्सनालिटी लगती थी गुरुजी की, तुमको लगता था इनको तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती क्योंकि थे तो वो ह्यूमन बॉडी में। तो गुरु ये सब समझा रहे थे उनको कि गुरु को कैसे रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यही है, चलो हम वो ये सब नहीं समझ पाए हैं, बट आगे की जनरेशन को और हम को भी, आज सब संगत को भी, पुरानी संगत ऐसा नहीं कि सब कुछ बहुत समझ गई है, हमको ये समझ जाना चाहिए कि जो भी गुरुजी ने कहा है, हमको कहा है, वो 100% फॉलो करना चाहिए, तभी गुरुजी खुश होते हैं। एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा था, कोई ऐसी बात थी तो मुझे गुरुजी ने कहा, गुरुजी करते हो, गुरुजी बोलते तो सुनते नहीं हो। तो वही बात है, आप जितना मर्जी गुरुजी कर लो, लेकिन जो गुरुजी ने कहा है वो नहीं फॉलो करोगे, वो नहीं सुनोगे, तो फिर हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत स्लो हो जाती है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि नहीं होती या गुरुजी आशीर्वाद नहीं देते, आशीर्वाद तो गुरुजी का सब पे बराबर होता है, पर जब हम कोऑपरेट नहीं करते तो हमारी प्रोग्रेस बहुत स्लो हो जाती है। फिर हमको हो सकता है इस जन्म में समझ में आए वो बात, हो सकता है अगले जन्म में समझ में आए, और कलयुग में अगला जन्म, भगवान माफ करे मुझे पर मैं नहीं चाहूंगी। सब कुछ होने के बाद भी क्या होता है, कौन सा कर्म आपका आड़े आ जाए ये नहीं पता होता आपको, और फिर अगले जन्म में, आजकल तो कलयुग है, पैदा हो पहले 9 महीने माँ के पेट में रहो, फिर आप पढ़ो लिखो, भगवान की दया से कुछ ऐसा वैसा हो गया, आपका कर्म आड़े आ गया, पैसा कम हुआ, फिर आपको नौकरी करनी पड़ेगी, हो सकता है हम अगले जन्म में भगवान को भूल जाए, गुरु जी से दूर हो जाए। इसलिए मैं हमेशा ही कहती हूँ संगत जी से कि गुरु जी से यही बोलो कि इसी जन्म में कल्याण हो जाए, लेकिन उसके लिए हमको भक्ति करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि गुरु जी को, गुरु जी मोक्ष दे दो, गुरु जी मोक्ष दे दो, गुरु जी अगला जन्म लीजिए, तो नहीं होगा हमारा जन्म, ऐसा नहीं है। बहुत केयरफुली हमको लाइफ जीनी चाहिए, ये मुझे गुरु जी ने सिखाया, बहुत केयरफुली लाइफ जीनी चाहिए, बहुत कॉन्शियस लिविंग होनी चाहिए हमारी, ताकि हमारा कोई ऐसा कर्म ना आ जाए कि हम गलती ना कर बैठे इस जन्म में। कदी भी पौने विच घर तो ना चलो, घंटा ताप के ही चलो। Never leave your house at 1:45 AM. Always wait till it is at least 5 minutes past an hour.
ये भी गुरु जी का हुक्म है, गुरु जी का वचन है, ये हमको फॉलो करना चाहिए। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, ये गुरु जी ने बोला तो हमको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी पौने बीच ना निकले, जैसे 7:45, 8:45, 9:45 पे नहीं निकलना चाहिए, और पूरा घंटा हो जाता है तो उसके 5 मिनट वेट करने के बाद निकलना चाहिए। जब भी कोई चंगे काम करन जाओ, कभी भी 3 लोग घर तो ना जाओ, 3 तो कम या ज्यादा बंद ही घर तो चलने चाहिए। ये भी हमारी समझ में नहीं आएगा कि गुरुजी ने क्यों ऐसा बोला कि 3 के लिए ही मना किया है, 13 के लिए वैसा कुछ लोग कहते हैं, बट 3 तो गुरुजी ने मना किया। तो हमको ये हुक्म उनका हमेशा फॉलो याद रखना चाहिए और फॉलो करना चाहिए कि कभी भी हम किसी अच्छे काम के लिए जाएं तो या तो 2 लोग जाएं या 1 जाए या 4 जाएं, पर 3 ना जाएं, 3+ होने चाहिए हमेशा। जय गुरु जी अंकल, अंकल जय गुरु जी, जय गुरु जी, गौरी कंटिन्यू करो ये यहाँ पे। नहीं गौरी, आई थिंक ये जो अपने ये जो वचनों का संग्रह है सुखी आरती के, ये हमने 4 सेशंस में ड्यूरिंग मार्च कवर करने हैं, तो आई थिंक 1/4 यू हैव कवर टुडे, गुरु परिवार आपको सुनेगा। जय गुरु जी। और मैंने ठीक बोला है अंकल, मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं तो कोशिश करती हूँ अभी भी। आपने आंटी, आपने फिर भी आपने जो आज वचनों को नरेट किया है, काफी वचन जिनमें आपने बोला कि ये भी हम लोगों के समझ में नहीं आया था, तो काफी चीजें ऐसी हैं जो कि अभी भी इन जनरल अगर संगत उनको सुनती है तो उनको लगता है कि गुरुजी ने ऐसे क्यों कहा होगा, लेकिन हमें उन इन डेप्थ वो जाने की जरूरत ही नहीं है कि मतलब कि अगर गुरुजी ने कुछ कहा है तो कुछ सोच के कहा होगा, है ना। बाकी आपके जो वचन हैं बहुत ही अच्छा लगा, अभी छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि आने वाले सेशन में भी हमने गुरु परिवार ने सुनने हैं आपसे वचन ड्यूरिंग द मंथ, तो बाकी सेशन में गुरु परिवार सुनेगा। ओवर टू यू तनुजा आंटी। जय गुरु जी। यस जय गुरु जी। थैंक यू सो मच सुरेश अंकल एंड गौरी आंटी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, इतने प्यार से आपने, यू वर टोटली इन्वॉल्व और हर वचन को आप जैसे खुद ही विजुअलाइज कर रहे थे, और कई वचनों के साथ आपने सत्संग भी शेयर किए जिसके साथ द अंडरस्टैंडिंग बिकम्स क्लियरर एंड यू कनेक्टेड टू अ कॉन्टेक्स्ट। सो आई थिंक इट वॉज रियली वेरी वेरी स्वीटली यू हैव नरेटेड द वचन, एंड आप कहते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग मे नॉट बी एज डीप, आई थिंक यू योर जर्नी, यू आर ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी विद गुरुजीज ग्रेस। आई थिंक हम सभी, गुरुजी ने हम सबको इनिशिएट करा दिया है, जिसका हम गुरुजी वेरी वेरी थैंकफुल टू गुरुजी। एंड आई थिंक यू हैव एंड एज यू सेड कि हम सब की जो है अंडरस्टैंडिंग है गुरुजी की ब्लेसिंग्स की और गुरुजी क्या चाहते हैं हम सबसे, that journey happens slowly and with time हमको सब कुछ समझ आता है धीरे धीरे। आपने कहा है वचन का जो इन डेप्थ मीनिंग है वो हमें समझ आता है, बट लाइक सुरेश अंकल सेड हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अगर हम गुरु जी को फॉलो करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, एंड वी बिलीव दैट गुरु महाराज इज परमात्मा, दैट मीन्स हमें टोटल ये सरेंडर हमारा होना चाहिए कि जो गुरु महाराज कह के गए हैं और जो कहते हैं दैट इज फॉर आवर बेनिफिट एंड दैट मस्ट बी डन, बिकॉज गुरु जी की जो वचन है हर शब्द पत्थर की लकीर है, और हमने देखा है कि ओवर टाइम वो चीज सच हुई है और सच हो रही है। सो वी जस्ट हैव टू, एंड इफ वी आर गुरु जी संगत वी मस्ट जस्ट एक्सेप्ट एंड देन फॉलो दोज थिंग्स।
कितनी अच्छी, सबसे बड़ी बात तो जो आंटी आपने गुरुजी के जो बड़ा ही पावरफुल वचन है नम्रता के बारे में, गुरुजी के ही वैल्यूड नम्रता सबसे ज्यादा। अगर हम विनम्र हैं और किसी भी किस्म का अहंकार हमारे अंदर नहीं है, हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए। इट्स नॉट इजी, छोटी से छोटी हम सेवा करते हैं उसका भी अहंकार आ जाता है। सो इट्स नॉट इजी, बट अगर हम गुरुजी के फॉलोअर्स हैं और गुरुजी को प्यार करते हैं और गुरुजी को खुश करना चाहते हैं, तो हमें बिल्कुल ईगो को काबू में रखना चाहिए एंड सबसे नम्रता और प्यार से इंटरैक्ट करना चाहिए। और इट्स अ डेली रिमाइंडर, इट्स नॉट दैट बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, देर आर टेम्पटेशंस, लोग हमें इरिटेट करते हैं, हमारे कुछ लोग तो क्या इरिटेट करेंगे, हम खुद ही इरिटेट हो जाते हैं, एंड दैट इज वॉट वी हैव टू इम्प्रूव आवर सेल्स। बट देर आर सिचुएशंस जिसमें हम शायद इरिटेट हो जाएं या हमें अच्छा ना लगे कोई कुछ कह रहा है, तो उस वक्त हमें बिल्कुल जैसे आपने कहा गुरुजी कहते थे, नीवे हो जाओ। और गुरुजी ये भी कह के गए हैं कि अगर आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगी एंड यू नो यू आर राइट, आप चुप रहिए, मुंह तक मत लाओ। बिकॉज एक बार आप अगर अपनी जुबान पे ले आए कड़वे शब्द और आपने किसी को कुछ ऊंचे तर बोल दिया या यू गॉट एंग्री, आपने अपने बुरे कर्म बढ़ा लिए। एंड वॉट इज लाइफ, हमारी लाइफ इज ऑल डिपेंडेंट ऑन कर्म। तो जो सिचुएशन अगर हम अपनी लाइफ में अच्छी रखना चाहते हैं, तो गुरुजी कहते थे अच्छे कर्मों का बैलेंस बढ़ा दो, जैसे आपने कहा ईगो का बैलेंस और भक्ति का बैलेंस। सो कर्म इज प्रधान, तो गुरुजी कहते थे अगर अपने बुरे कर्म चाहे पास्ट लाइफ से आ रहे हैं या इस लाइफ में विदाउट रियलाइजिंग यू मे नॉट, जैसे जैसे हम गुरुजी से कनेक्ट होते हैं हम रियलाइज करते हैं कौन सी चीज गलत है और हम उसको करना बंद कर देते हैं। सो अच्छे कर्म बढ़ाओ, उसका बैलेंस ऊपर करो, सो ऑटोमेटिकली योर लाइफ सिचुएशन स्टार्ट इंप्रूविंग। सो नम्रता तो बहुत ही टॉप मोस्ट पॉइंट है विद गुरुजी, और वो एक्सपेक्ट हम सबसे करते हैं। अनदर वेरी नाइस वन आंटी आपने लिया कि हम गुरु को कुछ नहीं दे सके, क्या दे सके, किसी किस्म का दान नहीं दे सकते, बट अगर हम पीपल हु नीड, चाहे उनको पैसे की जरूरत है या किसी तरह की दूसरी हेल्प या हमारे समय की जरूरत है, अगर हम वो करते हैं, वो हम गुरु को ही कर के लिए कर रहे हैं, उसमें गुरु जी खुश होते हैं। गुरु जी हिमसेल्फ डज नॉट नीड, बिकॉज उन्होंने ही हमको सब कुछ दिया है। सो इन माई व्यू वेन बी अगर हम किसी प्रकार के, जैसे आपने कहा गुरुजी कहते थे दान करो, दान जरूर करना चाहिए और गुप्त दान करिए, किसी किस्म का भी दान करिए। बाकी गुरु के मंदिर में हम जब जाते हैं, एक प्रथा है, आपने कहा कि अपने गुरु को बिना किसी खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए, ये एक प्रथा है। पर गुरुजी काफी सारी जो प्रथा है उनको मतलब काइंड ऑफ न्यूट्रलाइज करने आए थे। Actually, Guruji doesn't need anything material. He needs your love. If you surrender to him, और Guruji का अगर दरबार है, Guruji का मंदिर है, उस all these things have to function. चाहे संगत के लिए लंगर बनता है, चाहे चाय प्रसाद बनता है, it all comes from संगत's दान and संगत's love. So it's not that Guru needs anything. But Guru's creations, Guruji's creations need our help. So that's a very, very important message for all of us. और एक छोटा सा अगर आप permit करें तो मुझे याद आता है, एक बार मैं Guruji के लिए जब हम little far from Srinagar, वहां जब गई, Guruji कुछ भी नहीं लेते थे, पर मेरा दिल बहुत किया, मैं Guruji के लिए एक shawl लेके आई, पर जब लेके गई तो बहुत डर रही थी, पर मैंने ले जाके जब प्रणाम किया Guruji को, so I just gave it to him, I didn't say anything ki main aapke liye, just I gave it to him, he of course knows everything, unhone apni lap pe rakha for a few minutes aur main wahi baithi hui thi, aur phir mujhe unhone wapas kar di aur kaha ki ek kudi de vyach meri tarafon de de,
तो अब देखिए जो भी कुछ हमने अपनी बेटी को दिया, सबसे जो सुप्रीम गिफ्ट था वो ये था। तो गुरु जी ने क्या, हम अगर शॉल लेके गए, उन्होंने उसको ही फिल्ड इट विद ब्लेसिंग्स एंड गेव इट बैक टू बी गिवन टू द डॉटर विद हिज ब्लेसिंग्स। सो दिस इज दिस केम टू माई माइंड, जब आपने ये वचन गुरु जी का सुनाया तो मुझे इसकी याद आ गई। एंड गुरु जी की उस्तत, नेचुरली दैट्स द सुप्रीम फॉर्म ऑफ भक्ति। और गुरु जी आपने सही कहा कि कितनी संगत को कह गए थे कि पाठ करन दी की लोड़े, अगर दैट गुरु जी नोज, किसी को कहा पाठ करो और किसी को बोला की लोड़े करन दी, एंड की लोड़े करन दी वॉज एक्चुअली उस समय जिस वक्त लाइफ की जिस सिचुएशन में वो थे, मे बी दैट पर्सन, मे बी इट्स एन आंटी और एन अंकल, दे मे हैव हैड मेनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो गुरु जी कहते थे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के अगर आप पाठ करने बैठोगे, दैट इज नॉट राइट। हर उम्र में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर आप वो फुलफिल कर रहे हैं तो सबसे बड़ी भक्ति वो है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू गुरु जी, अ हैप्पी होम, अ हारमोनियस होम इज अ ब्लेस्ड होम। जब गुरु जी किसी के घर चले जाए फिजिकल फॉर्म में, तो वो तो गुरु जी की सुप्रीम सुप्रीम कल्याण है। एंड और जब हम अपने घर में अच्छा वातावरण रखते हैं तो वहां गुरु का निवास तो है, परमात्मा वहीं खुश रहते हैं जो जगह पवित्र हो। और अगर एक तो अपने आने से वो पवित्र करते हैं, और कहाँ आएंगे वो, जहां पे ऑलरेडी देर इज हैप्पीनेस एंड हार्मनी। सो ऑल ये जो वचन है, इनके मीनिंग्स धीरे धीरे हमें समझ आते हैं। बिकॉज एज वी गेट कनेक्टेड टू गुरु जी, एंड गेट कनेक्टेड मीन्स हम नॉट ओनली डू वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, वी जस्ट स्टार्ट सरेंडरिंग एंड एक्सेप्टिंग कि जो गुरु जी सत वचन, जो आपने कहा बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। सो यू नो आई एम जस्ट वेरी वेरी अच्छा। दूसरा आपने ये भी बोला कि अबाउट यू नो ये जो पौने विच ना चलो, मुझे भी आई ऑलवेज कीप इट इन माइंड कि गुरु जी कहते से घंटा टाप के जाया करो। आई ट्राई टू डू दैट, बट कभी कभी ऐसे हुआ है यू नो आई हैव जस्ट सैट डाउन इन द कार, एकदम मैंने देखा कि पौने दस है या पौने ग्यारह है, पौने का वक्त है। एंड आई से गुरु जी मैं तो तुहाडी गड्डी चला रही हूँ, तुसी मेरे नाल हो, अब आप संभाल लेना। एंड गुरु जी संभालते हैं। अगर याद रहे संगत जी तो पौने पे मत जाइए, घंटा टाप के जाइए, गुरु जी कहते थे घंटा टाप के जाया करो। और गुरु जी ये भी कहते थे टाइम को वधा के बताओ, कभी भी ये मत बोलो यू नो इफ इट इज लेट्स से इट इज पौने नौ मत बोलो, 8:45 बोलो, जिसमें नंबर ज्यादा हो। अब गुरु जी को पता है क्यों, बट ही ऑलवेज अंडरलाइंग उनका होता था कि पॉजिटिव, मतलब एंड अ हायर नंबर इज पॉजिटिव देन अ लोअर नंबर। सो दे गुरु जी जानते हैं कि इसमें हमारा किस तरह से कल्याण होता है हमारे जो लिविंग में, बट बिकॉज ही हैज सेड वी फॉलो एंड आंटी यू सेड सो वी विल फॉलो। एंड ऑल्सो ये जो तीन लोग अच्छे कर्म के काम के लिए ना जाया करो, आई हैव ऑल्सो ग्रोन अप विद दैट। माई ग्रैंड मदर यूज टू से, मेरी मदर भी कहते थे कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये मुझे याद है, एज चिल्ड्रन वी यूज टू से दैट। एंड गुरु जी ने रीइंफोर्स किया। तो सबकी कोशिश रहनी चाहिए, किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो नहीं जाना चाहिए। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वन आंटी आज आपने लिया कि अपनी गड्डी में आया करो, जैसे आपने कहा कि अपने स्टेटस को टेक इट एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गुरु, बट उसका शो ऑफ मत करो। और जो आप हैं खुद, जो आपकी हैसियत है, एंड हैसियत डजंट मीन यू आर नॉट वर्थ इट, बट गुरुजी खुश होते थे जब आप अपने पैसा खर्च के कोई भी चीज लाएं, चाहे किसी मंदिर के लिए, चाहे वहां पे आएंगे, चाहे बस की टिकट खर्च के आओ, बट अगर आप अपने पैसे से लेके आओगे, एक फूल भी लेके आते हो, और उस वक्त जो आपके दिल में विचार होता है, अब अगर मेरी कैपेसिटी 100 रुपीज की है और उस 100 में मैं सिर्फ 10 रख लेती हूँ कि शायद मेरे को कोई जरूरत पड़े, पर मैं 90 में ले लेती हूँ कि कोई बात नहीं, ये गुरु का है, गुरु फिर देगा,
दैट इज द भाव विच द गुरु वैल्यूज, और वो झोलियां भरते हैं आपकी. सो और बिल्कुल हमेशा गुरुजी वैल्यूड कि अपने दिल से अपना जिसे कहते हैं शरीर काट के भी अगर आप कुछ करोगे, दैट इज मीन्स यू आर यू लव योर गुरु इमेंसली. सो देर आर आंटी बहुत बहुत शुक्राना आपका, ना केवल आपने सिर्फ वचन सुनाए, आपने जो उनको अपने भाव से एक्सप्लेन किया उसके लिए हम बहुत बहुत ग्रेटफुल हैं आपके. एंड ऑल्सो मोस्ट ग्रेटफुल टू आर गुरु महाराज जो ये हमारे लिए इतने प्यारे वचन छोड़ के गए हैं फॉर अस टू, ये हमारे मोती हैं और इन्हीं की माला हमने पिरोनी है, और कोशिश हर रोज होनी चाहिए कि हम अपना जीवन इन्हीं के अनुसार चलाएं, बिकॉज गुरुजी यही चाहते थे, और अगर हम गुरुजी की संगत हैं तो हमें वही करना चाहिए जो गुरुजी कहते हैं. आंटी थैंक यू वंस अगेन वेरी वेरी मच, और सभी संगत जी का बहुत बहुत शुक्राना, और मेरे परमात्मा मेरे गुरु महाराज का शुक्राना. थैंक यू आंटी वंस अगेन, शुक्राना गुरु महाराज, एंड थैंक यू सो मच सुरेश वासन अंकल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टुडे. थैंक यू गुरुजी. जय गुरुजी. तनोज आंटी, तनोज आंटी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि परबिल आंटी ने शायद अपना हैंड रेज किया हुआ है, जरा 2 मिनट सुन लेते हैं इनको. यस यस जरूर. नो नो यस परबिल आंटी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. परबिल आंटी को प्लीज अनम्यूट कर दीजिए. जय गुरुजी सारी संगत को, जय गुरुजी, शुक्राने गुरुजी. थैंक यू तनुजा आंटी, आपने बहुत 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 प्यार से जो वचन दोबारा से आपने अपने उसमें समझाए वो डबल हम डोज हो गया हमारे लिए समझने के लिए. तो मेरा मैंने रेज इसलिए किया था कि जैसे आपने भी कहा और आंटी ने भी बताया और गुरुजी का वचन भी है कि अगर मन नीवा नहीं होता है तो जैसे मुझे समझ में आया आप सबकी बात से कि अगर हम गुरु को आगे रख लेते हैं तो शायद हमारे लिए इजी हो जाएगा उस चीज को नीवा होके चलने के लिए. यस आंटी, यस यस आंटी, गौरी आंटी इज हियर टुडे. गौरी आंटी विल आपको आंसर करेंगी. जी गौरी आंटी, मैं यही पूछना था. जी अगर हम हर चीज में अपने गुरु को आगे रखते जाते हैं, जैसे गुरु जी हमेशा जी जी अगर हम ये अपने डेली उसमें ले आते हैं कि हाँ हमारा गुरु आ गया, हमारा गुरु आ गया, तो शायद हमें नम्रता आ जाएगी धीरे धीरे प्रैक्टिस से. गौरी आंटी. हाँ जी जी आंटी. जी जय गुरु जी आंटी, थैंक यू सो मच आंटी, अपने इतने प्यार से हमें वचन समझाए. तो क्या ये मेरा मैं ये जो मैंने पूछा जो आपसे, क्या ये सही है कि अगर इस तरह से हम प्रैक्टिस करें गुरु जी को आगे रखते जाएं, और क्या निम्रता हमारे में धीरे धीरे आ जाएगी? ये तो ठीक है, सब तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए ना. गुस्सा नहीं करो, अपने से छोटों को बहुत अच्छे से ट्रीट करो, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है. हाँ, और गुरु जी का जाप करते रहो, ये सब बहुत सारी चीज आप जो करते हो वो भी करो, पर सब कुछ जितना कोशिश करो जो गुरु जी कहते थे वो सब कुछ करो. नाम जपते रहो तो भी आ जाएगी, रेगुलर जपोगे तो भी. जैसे जैसे भक्ति में आप आगे बढ़ते हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है आपकी, वैसे वैसे सब नेगेटिविटी कम होती जाती है एंड पॉजिटिविटी आप में बढ़ती जाती है, तो वो भी नम्रता भी आ जाएगी. गुरु जी ने एक दिन मुझे कहा था जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे कि गुस्सा मत किया कर. वो एक बहुत बड़ा सत्संग है, मैं फिर नेक्स्ट टाइम सुनाऊंगी. तो गुस्सा मुझसे नहीं कंट्रोल हुआ 2019 में जब मैं बीमार हुई, उसके बाद से मुझे गुस्सा नहीं आता. मैं थोड़ी अपसेट हो जाती हूँ कभी कभी, लेकिन वो पहले वाली बात नहीं है. पहले जितना गुस्सा था उतना नहीं आता मुझे, मुझे मतलब अंदर से मैं किसी से नाराज नहीं होती. पहले मैं अंदर से बहुत नाराज होती थी, अब मुझे किसी से अंदर से गुस्सा नहीं आता. शॉर्ट लिव्ड होता है गुस्सा, 5 साल में भूल जाती मैं कितनी. कोई बात नहीं, सब इंसान की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है, तो हमें कॉन्शियसली एफर्ट करनी पड़ेगी ये सब नेगेटिविटी रिड्यूस करने के लिए, अपने अंदर से निकालने के लिए. ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला, आप गुरु जी को आगे रखो.
गुरु जी का मंत्र जाप करो, जो गुरु जी कहते थे अपनी ड्यूटीज करो, अपने नीचे वालों को बहुत अच्छे से रखो, तो धीरे 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 आ जाएगी सब, धीरे धीरे सब नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। थोड़ा एफर्ट आपको करना पड़ेगा तभी गुरु जी की ब्लेसिंग। बिल्कुल गौरी आंटी ठीक कह रहे हैं, एंड इट इज लाइक आई सेड, इट इज अ डेली एंडेवर। हर रोज आप जब सुबह अपने गुरु महाराज के चरणों में सर झुकाते हो, गुरु महाराज को बोलो, गुरु महाराज प्लीज हेल्प मी टू एंजॉय दिस डे विद यू एंड हेल्प मी टू से एंड डू एवरीथिंग विच इज इन अकॉर्डेंस विद यू, जैसे आप चाहते हैं। और हमें पता है, हमें दिल में पता है गुरु जी क्या चाहते हैं, कि किसी के ऊपर नाराज मत हो, किसी को दुख मत पहुंचाओ, किसी का हक मत मारो, किसी भलाई करो। तो जब ये सब गुरुजी चाहते हैं, तो जब आप ये करेंगे और अपना एंगर को कंट्रोल करेंगे, तो गुरुजी आपको शाबाशी देंगे, आपने एफर्ट किया अपना एंगर कंट्रोल करने के लिए, एंड धीरे धीरे यू विल रियलाइज दैट यू नो आई एम आई हैव कम आई हैव वॉक द पाथ, थोड़ा बहुत मेरे में फर्क आया है, आपको खुद ही महसूस होता है। यस गुरु को आगे रखना है, बिकॉज हम ये वचन का एम क्या है कि वी फॉलो देम। So that's right, Parmila aunty, your understanding is absolutely right. So also I remember aunty Gauri aunty, aapne kaha tha ki Sukhmani aunty, you know, de sare vachan despite her age, ye Sukhmani aunty ne badi young age mein ye kitab likhi hai, and yes Sukhmani's and her mother's connection to Guruji bahut bahut hi deep tha, pyar bhara tha aur purane janm se chala aa raha tha. They looked after Guruji, बहुत सेवा की उन्होंने, but they were not very rich in money. Guruji made sure that they were comfortable, but they did not have much money. पर उन्होंने अपने तन से और अपने भाव से सेवा की. So that is all that Guruji wants. So I think we can end today's session. आरती आंटी, जय गुरु जी गौरी आंटी, जय गुरु जी तनुज आंटी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कट इट वेरी शॉर्ट दो, थैंक यू वेरी 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 मच, आई एम स्पीचलेस, बहुत आंसर्स मिल गए। आई हैव अ क्वेश्चन जो मेरे मन में बहुत दिनों से चल रहा था, एंड आई थॉट दिस प्लेटफॉर्म एंड सिंस बोथ ऑफ यू आर एड्रेसिंग, आई वुड certainly get my answer. So auntie, Gauri auntie, Tanuja auntie, my question is Guruji ke vachan. Ab Guruji ke vachan jab hum uski vyakhya Gauri auntie se sunte hain ya Tanuja auntie aap bhi kar rahe hain, to definitely aap Guruji ke saath aapke experience unke physical time ke hain, kai baatein aapne directly unse suni hain, ye vachan na se to koi aur vachan aap experience hai Guruji ke saath, to aap bada vis-a-vis us experience ke saath उसको डिकोड कर सकते हैं, हमें व्याख्या में समझा सकते हैं एग्जाम्पल कोट करके, रिलेट करके। लेकिन अगर मेरे जैसी जो कि नई संगत है, ज्ञान मैं कहूंगी अभी तो मैं मतलब जैसे एक उंगली ही कई बार लगता है कि डुबोई है गुरुजी नाम के सागर में, तो अगर कह दिया जाता है कई बार कई जगह किसी वचन को जस्ट बिकॉज मे बी यू नो मुझे लगता है कि गुरुजी ने थोड़ा सा बोलने की कला दी है, मे बी यू नो थोड़ा बोल लेते हैं हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ, तो कह दिया जाता है कि व्याख्या की जाए इस वचन की। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ आंटी, क्या ये सेवा एक्सेप्ट करनी चाहिए? क्योंकि मुझे एक तो ये छोटा मुंह बड़ी बात लगती है, बिकॉज मैंने ना तो ये गुरुजी से मैंने खुद सुनी, ओके आई गो बाय जो वो बुक में है, ऑब्वियसली वो उस संगत का अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन गौरी आंटी या तनुजा आंटी या फॉर एग्जांपल बैम्बी आंटी या सुखमनी आंटी, ये जब किसी वचन की व्याख्या करेंगे, ये उसके साथ गुरुजी के साथ जुड़े हुए एक्सपीरियंसेस को जोड़ के हमें बहुत दे कैन रियली थ्रो लाइट, आप लोग बहुत एक उसके ऊपर जिसे कहते हैं रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन एक मेरे जैसी संगत जो इसकी व्याख्या करेगी तो अपनी सिर्फ अपनी बुद्धि से करेगी, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही छोटी है जहां गुरुजी के वचन की बात आती है, तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि कैसे करना चाहिए? मैं इस बहुत दुविधा में चल रही हूँ। गौरी आंटी आप आंसर करें प्लीज।
देखिए हम जो भी कुछ बोलते हैं अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड बोलते हैं, जो गुरुजी से हमने सीखा, गुरुजी ने हमें समझाया, जो बातें हमें तब समझ नहीं आई वो अब समझ में आती हैं। ऐसे मैं ये नहीं कह सकती, बट जो भी सेवा है आप अगर एफर्ट करोगे तो कर पाओगे। हर सेवा, हर हमारी भी अंडरस्टैंडिंग ऐसे बहुत क्लियर नहीं है, डिपेंड करता है आपका लेवल क्या है, आप कहाँ से शुरू हुए हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी क्लियर है, आपकी भक्ति कितनी है। गुरु जी आपसे जो बुलवाएंगे आप वही बुलोगे, और सुनने वालों को भी देखिए आंसर्स मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। बट हम, मैं तो जब भी कोई सेवा मिलती मैं समझती हूँ गुरु जी की सेवा है। गुरु जी को जिसको जो समझाना होगा समझाएंगे, वो इंडिविजुअल के ऊपर है, वो इंडिविजुअल की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। हो सकता है हमसे भी बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती कभी कभी नई संगत की भी, और ये गुरु जी के ऊपर है कि गुरु जी किसको सेवा देते हैं, आप सेवा कैसे करते हो। अगर आपको नई अंडरस्टैंडिंग आप नई गुरु जी से मिले तो आप शब्द या कोई भी सेवा मिली उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके फिर भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो अगर चाहो तो। जी वो तो गुरु जी के ऊपर है, किसको क्या समझाना, सब कुछ गुरु जी के ऊपर है। नई अंडरस्टैंडिंग संगत की भी बहुत, आई डोंट बिलीव इन नई संगत और पुरानी संगत, नई संगत की भी बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस है। अब इसलिए अब जब हम सत्संग शेयरिंग के लिए किसी को इनवाइट करते हैं, वी नेवर राइट के ये ओल्ड संगत का एक्सपीरियंस शेयर करेगी या न्यू संगत, अभी जस्ट राइट के ये आंटी अंकल सत्संग शेयर करेंगे बस। किसको क्या समझाना, वो सब जो भी सत्संग सुनाते हैं सब अपने एक्सपीरियंस सुनाते हैं, अपने हम जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उस पे बेस सुनाते हैं, अपने एक्सपीरियंस पे बेस सुनाते हैं जो गुरु जी के साथ हमने टाइम स्पेंड किया है। लेकिन ऐसा नहीं, नई संगत भी बहुत ही स्पिरिचुअल इवॉल्व है, ऐसी बात नहीं है। अब जो देखिए हम करेंगे गुरु जी के साथ 40s में, हमारे बच्चे करने के 20s में, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन कंसीव होने के बाद से सत्संग अटेंड कर रहे हैं। मेरी बेटी ने सत्संग शुरू कर दिया था, तो उनकी वो जब बड़े होंगे तो वो हमसे बहुत आगे होंगे। हमें इतनी समझ में नहीं आती कि गुरु जी को खाली हाथ कभी दर्शन नहीं करने चाहिए। मेरे से हाफ एज की जो लड़की आती थी हर साल वेकेशन में, जबकि वो सर्विस में थी, गोल्ड कॉइन लेके जाती थी वाइफ अपने हस्बैंड अपने गुरु के लिए अलग लेके जाती थी, हस्बैंड अलग लेके जाता था, दो गोल्ड कॉइन हर साल देके आते थे वो अपने अपने गुरु को। हमारे गुरु को देखो कितने लोगों ने गोल्ड दिया होगा, आप सोचो। ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी भक्ति कहाँ से पीछे थी, कितनी पीछे थी, कितनी इस जन्म में कहाँ से शुरू हो, ये सब गुरु जी को पता है। ये सब बहुत डीप चीजें हैं। तो आपको अगर कोई सेवा मिली आप सेवा समझ के करो, थोड़ा एफर्ट करो। अगर आपको नई अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर है उसको समझने की कोशिश करके भी आप समझ आ सकते हैं। फिर गुरु जी को ऊपर है सब कुछ, किसको क्या समझाना। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुली क्लियर जी। यस आरजी आंटी जी, अगर हम गुरु जी की संगत है तो वी नो कि जब कोई सेवा मिलती है गुरु जी के हुक्म के बिना नहीं मिलती। एंड गुरु जी फील्स दैट यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड हिज वचन, तो आपको वो सेवा मिलती है। और जैसे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है आपके थ्रू गुरु जी बुलवाते हैं। वो कहते थे ना खड़े आपने होना है, बोलना तो मैंने है। जी, so, and I think like वो गौरी आंटी also said कि अगर कोई सेवा मिलती है तो फिर अगर हमें it is something new for us, तो हम अगर हम अपने गुरु को प्यार करते हैं, we don't want to let our guru down, हम कोशिश करते हैं, उसको थोड़ा रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं, और जब हम ये अपना एफर्ट लगाते, गुरु जी कहते ना तुसी एक कदम वधाओ मैं 100 कदम तुहाडे कोल वधावांगा। So if you take that step forward, you have the desire to understand, he will give you all the information. आप गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के try and understand, गुरुजी आपको दे देंगे understanding. So and there is no need to understand every vachan, all of them. Whatever you understand, just we should all start imbibing in our life. That is the main thing. जी. Live our life. That and also Guruji, I remember आप कह रहे हैं तो मुझे याद आया जब Guruji थे, so अगर आप कहते हैं हम नई संगत है, हम मिले नहीं है, अब there are so many वचन, ये सारे वचन जो आज आंटी ने सुनाए ये सुखमनी आंटी को बताए गए हैं, but these are not सुखमनी आंटी's life experiences. Guruji has left her with this wealth to share with everybody as time passes. There are still many which they haven't shared. Which they said Guruji ka hukum hoga batayenge. So it is not according to their experiences, but it is Guruji has left it with her
for this to give to the Sangat. Now, Gauri Aunty has not lived. There are vachans given to Sukhmani Aunty. There are some vachan. सबको हर संगत को कुछ ना कुछ वचन बता के गए हैं अलग अलग टाइम पे बट वी डोंट हैव टू लिव और rather जरूरी नहीं कि हमने वो खुद वो वचन सुने हो बट जैसे हम परमात्मा को दूसरे कोई मानता है तो जो उसमें लिखा है परमात्मा की चाहे हमारा यू नो विच इज दिस ग्रंथ बाय यू नो कृष्णा भगवद गीता Now, Bhagavad Gita, we have not met Krishna, but every word and every line in Bhagavad Gita is the way we need to live our life. So we don't have to personally be there to know what it means. We start understanding as we start surrendering. And Guruji kehke ek aur cheez gaye the ki meri asli sangat te hale aan wali hai, which meant after I go, मेरी असली संगत ते हले आन वाली है सो व्हाट डज इट मीन लाइक गौरी आंटी सेइंग द न्यू संगत कैन बी फार स्पिरिचुअली एलिवेटेड एंड क्या पता कितने जन्मों से गुरु महाराज से कनेक्टेड हूं सो या सो आई थिंक वी आर ऑल केपेबल गुरु महाराज मेक्स अस केपेबल देयर इज नथिंग अबाउट अस जो जिससे सेवा लेनी है गुरु जी उसको तैयार कर देते हैं Thank you very, very much, Aunty. Thank you, both of you. Thank you, Suresh, for the explanation. I do understand this. Thank you. Jai Guruji, everyone. Jai Guruji, Gauri Aunty. Jai Guruji, Tanuj Aunty. Jai Guruji, Archie Aunty. Thanks a lot for making this vajan session very, very blissful and interactive. Thanks a lot. Shukrana, har participant ka jo abhi tak इस सेशन को जिन्होंने भाव से सुना बाकी लेट्स होप कि आने वाले वीक्स में आवर इंटरेस्ट आवर दिस सेशन विल बी मोर इंटरैक्टिव विद दिस आई विल टेक परमिशन फ्रॉम गुरुजी महाराज ओवर टू यू अमर अंकल शुक्राना भजन जय गुरुजी